सायराम चिल्ड्रन, जैसा कि अभी हम कुछ नए आसन सीख रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम कुछ लेट कर किए जाने वाले एक आसन का क्रम सीखेंगे और साथ ही एक नया गेम हम आज सीखेंगे, इंडोर गेम। तो सर्वप्रथम हम कक्षा का शुभारंभ 3 बार ओमकार से करेंगे। क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स। तो सर्वप्रथम हम स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने पैर को इस तरीके से सामने की ओर फैला लीजिए और पीछे से पैर को पूरा खींचेंगे और हाथों को ऊपर करते हैं और फिर हाथ को दोनों हाथों को पैर पर रखकर इस तरीके से पीछे वाले पैर को जमीन की तरफ डाउन करना है 10 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, very good। अब इसी प्रकार हम अपने दूसरे पैर से भी करेंगे, लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, राइट लेग को पीछे और 10 times पीछे की तरफ पैर को डाउन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। अब हम अपने दोनों को पैरों को फैला लेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ झुकते जाएंगे और पैर को टच करेंगे, झुके रहेंगे कुछ देर, अप डाउन down, up, down, up, down, very good। अब क्या करेंगे, पीछे से पैरों को हाथों को इस तरीके से खींचेंगे और सिर को पीछे लेके जाएंगे वापस, पुनः पीछे की तरफ हाथों को खींचेंगे और सिर और कमर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। रेडी स्टार्ट। डाउन, धीरे से वापस आएंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, पहले पीछे झुकेंगे और फिर आगे की ओर जरूर लगाने की कोशिश करेंगे। अप
डाउन अप डाउन अप वापस धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाइए, रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ। बच्चों आज हम जिन आसनों का अभ्यास करेंगे वो भुजंग आसनों का अलग अलग क्रम है जो हमारी बैकबोन को तो स्वस्थ करता ही है। जिन बच्चों जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है या जिनको कमर में दर्द रहता है उसमें भी इससे राहत मिलती है। कोष्ठबद्धता यानी कि जिनको अच्छे तरीके से जो फ्रेश नहीं हो पाते, निष्कासन दिन का नहीं हो पाता है, तो ये हमारे कब्ज की शिकायत को दूर करता है और पेट पे जो अतिरिक्त चर्बी है उसको भी दूर करता है। इसको करने से स्पेशली महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियों में लाभ मिलते हैं। लीवर और किडनी के लिए लाभदायक है। मेरुदंड को पुष्ट करता है, उसको लचीला बनाता है। तो आज हम चूंकि बच्चे सभी अभी इस समय ज़्यादातर अपने घरों में बैठ करके क्लासेस ले रहे हैं, कोई लेट कर भी ले रहे होंगे, पोस्चर्स आप लोग गलत यूज़ भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, और लगातार लंबे समय तक बैठे रहने से भी हमारी कमर में समस्या होने लगती है। तो हम ये छोटे छोटे से भुजंगासन के 3 अलग अलग प्रकार करेंगे और अपने कमर को मेरुदंड को स्वस्थ रखेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, अपनी जगह पर लेट जाइए इस तरीके से और जो हम सबसे पहला प्रकार करेंगे उसमें हमारे हाथ के पंजे, पंजों के बाद हमको पूरा उठना है इस तरीके से। धीरे से वापस अब डाउन एक बार पुनः करेंगे, स्टार्ट अप डाउन। अब हम जो करेंगे उसमें क्या करेंगे, कोहनियों को जमीन पर रखेंगे और कम उठेंगे इस तरीके से, डाउन अप डाउन अप डाउन। अब हाथों को पीछे से इस तरीके से बांधना है और उठना है, डाउन अप डाउन अप से उठकर बैठ जाए, रिलैक्स, एक डीप ब्रेथ। अब धीरे से आज के गेम को खेलने के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये बहुत ही सिंपल गेम है। जब आपसे बोला जाएगा टच योर नोज तो आपको अपने नोज टच करनी है, टच योर हेड तो आपको हेड टच करना है,
टच योर ईयर, टच योर टीथ, टच योर हैंड, है ना। तो इसमें आपको अपने बॉडी पार्ट्स को टच करना है। अब आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर आपने गलती से मैंने जो पार्ट्स बोला है, अगर आपने उसकी जगह कोई दूसरा आपने ऑर्गन टच किया तो आप आउट हो जाएंगे। जैसे एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा फास्ट होगा ये गेम। टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर हेड, टच योर नेक, टच योर शोल्डर, टच योर हैंड, टच योर फिंगर, टच योर नी, टच योर टो, टच योर बैक, टच योर स्टमक। ओके, अब आपको मेरे साथ खेलना है। रेडी स्टार्ट। टच योर हेड, यस। अगर आपने मुझे देख करके जो मैंने टच किया है, अगर उसको देखकर आपने अपने चेस्ट पर टच कर लिया तो वो बच्चे आउट हो जाएंगे। टच योर हेड, टच योर नोज, यस। जिन्होंने नोज की जगह लिप्स को पकड़ा है वो भी आउट है। टच योर आईज, टच योर नेक, टच योर नीज, टच योर बैक, टच योर लेग, यस। तो इस गेम को, ये बहुत ही इजी गेम है, इससे आपको अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसकी अवेयरनेस भी होती है, और छोटे बच्चे जो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी एक्सरसाइज के साथ साथ में उनको अपने ऑर्गन्स का भी नॉलेज इस गेम के साथ होता है, और अवेयरनेस, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो लीडर है वो क्या बोल रहा है उस पर जाना है। अगर आप लीडर को देख करके वॉच करेंगे तो आप आउट भी हो सकते हैं। तो आउट तो होना ही है किसी ना किसी को, और कोई ना कोई विनर तो गेम में होता ही है। तो इस गेम को खेलने के लिए आप अपने घर में ही सर्कल बना करके, या लाइन में खड़े होकर के, या हाफ सर्कल बना करके खेलेंगे, और कोई भी एक बच्चा या कोई भी घर में जो बड़े हैं वो लीडर बन सकते हैं, और आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। टच योर बॉडी पार्ट्स इस गेम का नाम है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आज जो आपको गेम बताया गया वो भी आपने सीखा भी है, और उसको आप खेलेंगे घर पर। चूंकि मेरे साथ में आप लोग नहीं हैं, अगर आप मेरे सामने होते तो हम इस गेम को लंबे समय तक खेल सकते हैं, लेकिन कैसे खेलना है ये मैंने आपको बताया है। तो आप खेलेंगे, और जो आसन बताए उन सभी आसनों का अभ्यास अवश्य करेंगे, स्ट्रेचिंग का अभ्यास अवश्य करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। क्लोज योर आइज, शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। रवे पाम डोन योर आइज स्लोली ओपन योर आइज। सैम चिल्ड्रन,